अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आमीन। तो सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी कस्टम वर्सिटी जैकेट का मॉकअप। तो चलिए शुरू करते हैं जी। लेयर से जो फर्स्ट ही लेयर है वो है जी उसकी हाइलाइट्स की, तो उसको हमने नहीं छेड़ना। उसके बाद है जी जो फर्स्ट लेयर है हमारी मेन बॉडी की, जैसे मैं इसको लेयर को डिसेबल करता हूँ या एक्टिव करता हूँ तो आप उसमें चेंज दे सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता जी ये एरिया जो है इस लेयर पे मुश्तमिल है। तो चलें इसके अंदर चलते हैं जी लेयर के। तो लेयर के अंदर सिर्फ एक लोगो है जी और इसमें एक राइटिंग है सिंपल, और इसके अंदर है जी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ। तो ये सारी कर लेंगे गैर ज़रूरी लेयर्स हैं जब आपने एक दफ़ा कोई चीज़ ऐड कर ली है तो बाद में उसको आई थिंक जो है रिमूव कर देना चाहिए ताकि जो फाइल है वो हमारी हल्की रहे। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया सारा कुछ, एक सिंगल कलर जो है वो मैं एक्टिव कर देता हूँ जी। तो ब्लैक कलर के साथ एक लोगो हमने एक्टिव किया तो वो लोगो अपनी जगह पे आ गया जी। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं राइट साइड पे और थोड़ा सा टॉप की तरफ। हाँ जी, तो आई थिंक इधर जो है वो बेहतर है। तो ऐसे ही हम उसके बाद सेकंड वाले लेयर को देखते हैं जी वेस्ट बैंड। तो इसके अंदर स्ट्राइप्स ब्लू कलर की स्ट्राइप्स हैं जी। तो इसमें हमने नीचे ये इसका जो कलर है वो बेस है जी, हम इसको ब्लैक करते हैं और जो शेप्स हैं उनका कलर हम कर देते हैं जी हमने कलर रखना है जी इसका येलो वाई 100%। ठीक है, तो इधर से हमने ये कलर सेलेक्ट किया, सेकंड शेप को सेलेक्ट किया और कलर जो है वो सेकंड वाला हमने ऐड कर दिया। तो फ्रंट पे चेंजिंग हमारी वैसे ही होगी जैसे हम चाह रहे थे। उसके बाद है जी स्लीव डिज़ाइन। ठीक, स्लीव डिज़ाइन वाली लेयर के अंदर चलते हैं। तो ये टेक्स्ट एक सिंपल इधर ऐड है तो इसको हम अपना जो है वो ऑफ कर देते हैं। तो चलें इसके ऊपर ये झंडा जो है इसको एक्टिवेट कर देते हैं और जो बेस कलर हम लेके चल रहे हैं जी वो मैक है ब्लैक के साथ। तो आई थिंक जो बाजू हैं इसके वो थोड़े से डार्क ग्रे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। हाँ जी, तो आई थिंक ये बेटर है। तो यहाँ ब्लैक के साथ रेड बाजू भी अच्छे लगते हैं। तो इस कलर कोड को हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये जो कोड है ये हमने सेकंड वाले बाजू में भी ऐड करना है। तो जिन लेयर्स में चेंजिंग हो जाती है उनको काइंडली बंद कर दिया करें, जो सिस्टम है वो थोड़ा सा इजी रहता है। तो अब जो उसके बाद है जी स्लीव लेफ्ट वाला, तो इसमें भी हमने वैसे ही करना है जी। इसके ऊपर अगर कोई डिज़ाइन ऐड करना चाह रहे हैं आप तो ऐड कर सकते हैं। बाकी कलर जो कम्बिनेशन है वो जो आपका चल रहा है, जो आपके माइंड में है या जो आपका रिक्वायर्ड कलर है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद है जी इनसाइड डिज़ाइन। ठीक है, जो जैकेट के अंदर का कलर है कॉलर के अंदर ये जो थोड़ा सा एरिया शो हो रहा है तो इसका
ऑलरेडी ब्लैक है तो मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। उसके बाद है जी कलर डिज़ाइन, तो आप देख रहे हैं जी कलर के अंदर है हमारे पास दो स्ट्राइप्स हैं जी, तो स्ट्राइप्स का कलर हम रख रहे हैं जी येलो, तो दोनों स्ट्राइप्स का कलर हमने येलो कर दिया और जो बेस है उसको हम लेके चल रहे हैं जी ब्लैक में, तो हमारा कलर भी सेम हो गया। उसके बाद है जी कलर डिज़ाइन लेफ्ट वाला जो पार्ट है, तो इसमें हम इसको कर देंगे जी स्ट्राइप्स को येलो, और उसके बाद हम इसकी जो बेस है उसको कर देंगे हम ब्लैक। तो ओके किया, कंट्रोल एस प्रेस किया, तो हमारी जो चेंजिंग है वो डन हो गई। उसके बाद आज कलर इनसाइड, ठीक है तो हमें ब्लैक चाहिए, हम इसको ऑफ कर देते हैं, ऑन कर देते हैं सॉरी। तो उसके बाद है जी स्लीव कफ डिज़ाइन, ठीक है तो कफ डिज़ाइन के अंदर भी हमारा सेम फार्मूला रहेगा जी, इसके अंदर येलो स्ट्राइप्स और उसके जो जो बेस कलर है उसका वो हम ब्लैक लेके चल रहे हैं जी। तो ऐसे ही जी उसके नीचे है जी लेफ्ट कफ, तो इसके अंदर भी सेम बेस कलर जो होगा हमारा ब्लैक होगा। उसके बाद ऊपर जो स्ट्राइप्स हैं वो जी हम उनको लेके चलेंगे येलो में, तो कंट्रोल एस प्रेस किया और ये जो ज़्यादा लेयर मैं इनको बंद कर देता हूँ ताकि फाइल जो है वो थोड़ी इजी रहे जी। तो नेक्स्ट अब जो है जी इसका बेस कलर चेक करें, बेस कलर के अंदर हमारा आ रहा है बटन आ रहे हैं, पॉकेट बोन्स आ रही हैं, और जो है फ्रंट पट्टी बेल्ट के जो स्मॉल एरिया है जी वो, तो इसको हमने रखना है जी ब्लैक। तो आई थिंक कि ये हमारा जो वर्सिटी जैकेट का मॉकअप है वो बेहतरीन हो गया जी। तो इसमें हम ये बैकग्राउंड में एक चीज़ ऐड है जी घास की लेयर ऐड है छोटी छोटी, तो आई थिंक कि ये सूट नहीं कर रही, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड है जो इसको हम चेंज कर सकते हैं जी ब्लैक में, ग्रे में, ठीक है। तो जिधर भी आपको ज़्यादा जो कलर आपको पसंद आता है जी आप उसमें लेके चल सकते हैं इसको। तो जो जैकेट का कलर है उसको हम रेड करके देखते हैं जी, थिंक ये भी जो है वो परफेक्ट है। तो एक चीज़ रह गई इसके अंदर जी, तो सबसे एंड पे जो है इसका है जी फाइल का पासवर्ड, तो इसके मेरे पास दो ही पोज हैं जी फ्रंट और बैक, तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। तो फाइल का जो पासवर्ड है वो जी वर्सिटी जैकेट है, ठीक है VARSITY JACKET। तो ये सारे आपने स्मॉल में लिखने हैं, कैपिटल में नहीं लिखना, ठीक है। तो अक्सर दोस्त जो हैं वो फिर कमेंट में पूछते हैं जी भाई इसका पासवर्ड किधर है, तो काइंडली वीडियो को जो है वो सारा कंप्लीट देखिएगा, और ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। ऐसे ही बैक में आप जो है ये चीज़ें सारी ऐड कर सकते हैं स्ट्राइप्स का वगैरह। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।